नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर मेटाबॉलिज्म होता क्या है। हम बहुत बार इस टर्म को सुनते हैं, बहुत बार इस टर्म का इस्तेमाल भी करते हैं, स्पेशली जब वेट मैनेज करने की बात की जाती है, जब वेट लॉस करने की बात की जाती है, यानी कि मोटापा कम करने की बात की जाती है। इन कंटेक्स्ट में हम मेटाबॉलिज्म टर्म का इस्तेमाल काफ़ी बार करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है एक्चुअली, अगर हम इसको बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ये वो सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि हमारे बॉडी में होते हैं, जिसकी वजह से हम अलाइव है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाती है। तो ओवरऑल हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। और जो मेटाबॉलिज्म होता है इसमें सिर्फ कैलोरीज बर्न करने जैसी चीज़ नहीं होती। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म के भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जिसमें कि जिसकी हम यूजली बात करते हैं जब हम वेट लॉस या फिर किसी भी कंटेक्स्ट में हम मेटाबॉलिज्म की हम जब जनरली बात करते हैं तो बेसिकली हम कैटाबॉलिज्म की ही बात करते हैं, जिसका मीनिंग होता है ब्रेकडाउन होना, बर्नआउट होना या फिर टूटना किसी चीज़ का। सेम दूसरा आ रहा है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, एनाबॉलिज्म मतलब कि किसी चीज़ का सिंथेसिस या बिल्डअप होना या बनना। तो ये दो हिस्से होते हैं मेटाबॉलिज्म के। तो ये जो मेटाबॉलिज्म हमने जिसके बारे में भी डिस्कस किया, इसको हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो कैसे अच्छा रहे, हेल्दी रहे, वो क्या टिप्स हैं, वो क्या तरीके हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो अभी हमने जितना डिस्कस किया उससे हम समझ सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, अच्छी फंक्शनिंग के लिए, हमारी हेल्दी रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म जब होता है उसमें हम जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी लेते हैं, उस एनर्जी से काम करती करवाता है हमारी बॉडी, उसके बाद जो एनर्जी बचती है उसको स्टोर करते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, बायो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको निकाला जाता है। तो काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है, काफ़ी टेक्निकल होता है, जिसको इन डेप्थ जाके समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन हम कैसे इसको स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम इसको हमारे बॉडी में अच्छा रख सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, सो दैट हमारा जो प्रॉपर वेट मैनेज रहे, हम अच्छे स्वास्थ्य में रहें, तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो किसी भी जब हम बात करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो सबसे पहले जो हम जिसके बारे में बात करते हैं वो होता है खाना। खाना हमारे लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है खाना और पानी दोनों। तो यहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म के अच्छे रहने के लिए भी सबसे पहले तो मॉर्निंग में उठते ही जो पानी पीने के लिए कहा जाता है काफ़ी सही होता है, हमें मॉर्निंग में भी पानी पीना चाहिए उठते ही, एंड इन जनरल हमें पानी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम फिर बात करते हैं खाने की, तो डेफिनेटली एक अच्छा बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके बारे में मैंने एक अपना अलग वीडियो बनाया जिसको आप ज़रूर देखें कि आखिर बैलेंस डाइट होता क्या है, तो आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की मेटाबॉलिज्म के लिए। तो मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिज्म अच्छा काम करे, फास्ट काम करे, इसके लिए हमें खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन होता है अगर हम वेट लॉस की कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो, कि अगर हम नहीं खाते हैं तो वेट लूज़ होता है, लेकिन वो जो वेट लूज़ होता है वो काफ़ी गलत तरीके से होता है, वो फर्दर हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। और उसकी वजह से कई बार होता है कि नेक्स्ट वेट गेन करने की जो बॉडी की एक हैबिट, बॉडी की एक टेंडेंसी हो जाती है कि वो नेक्स्ट जब गेन करता है तो काफ़ी जल्दी गेन करता है, फिर वेट लूज़ करना भी डिफ़िकल्ट होता है। एक ये भी चीज़ होती है जिसको लोग नहीं समझते हैं। तो अगर हमें मेटाबॉलिज्म फास्ट करना है, हमें वेट लूज़ करना है, तो भी खाने की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहले अगर हम खाने की शुरुआत अपने डे में करते हैं तो ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह का नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, सुबह अच्छा मील लेना चाहिए, जो ब्रेकफास्ट होता है उसको हैवी मील में लेना चाहिए, और कभी भी कोशिश करें कि स्किप ना करें। ब्रेकफास्ट स्किप करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ब्रेकफास्ट स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रादर कोई भी मील हमें स्किप नहीं करनी चाहिए फुल डे में, जो हमने पहले भी अपने वीडियो में डिस्कस किया कि तीन मेजर मील्स होते हैं, दो बीच में जो इन बिटवीन स्नैक्स होते हैं, इनकी सारी जो मील्स ले रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और सबको प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट मिस ना करें और अच्छे अमाउंट में लें। अपने हर खाने में कोशिश करें कि लीन प्रोटीन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें। शुगर इनटेक है और ये जितनी भी हार्मफुल चीज़ें उनको अवॉइड करना चाहिए, और उसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हाई इन फाइबर फूड जो होते हैं, हाई इन प्रोटीन फूड्स जो होते हैं, उन सबको हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड और ऐसे केन फूड्स जो भी होते हैं इन सबको अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड को हमें बिल्कुल कोशिश करना चाहिए कि ना लें, हेल्दी खाना खाएं, घर का खाना खाएं और टाइमली खाएं, छोटे छोटे पोर्शंस में, छोटे छोटे ड्यूरेशन पे
हमें खाना खाते रहना चाहिए, जो हमारी मील है, जो हमारा खाना है, जिस टाइम पे जो खाना होता है उसको प्रॉपरली लेना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। ये हमें वेट लूज़ करने में भी मदद करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज को इंक्लूड करना भी हमेशा मैं इस पे जोर देती हूँ, लेकिन जहाँ पे मेटाबॉलिज्म हमें फास्ट करना है या फिर वेट लूज़ करने के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा हो जाती है। मेटाबॉलिज्म के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अदर यहाँ पे थोड़ी इंटेंसिव वर्कआउट की ज़रूरत होती है, जो कि आपको डेफिनेटली अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस ही करना चाहिए। अपने आप से कभी भी अगर हम एक्सटेंसिव वर्कआउट करते हैं तो कभी भी अपने आप से ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे वेट मैनेजमेंट की बात है, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने की बात है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मैंने आपको पहले बताया था कि टेक्निकल होती है और काफ़ी डीप होती है, तो अपने आप से इस पर काम नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि एक्सपर्ट की एडवाइस लें, अपने डॉक्टर की एडवाइस लें कि किस तरीके से हमें इन चीज़ों को स्टार्ट करना है, क्योंकि स्टार्ट करना भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। सडनली किसी भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली अगर हम स्टार्ट कर देते हैं तो वो भी हमारे बैकफायर कर सकता है। तो डेफ़िनेटली हमें एक स्टेज में चीज़ें करनी है। अच्छा, जहाँ मैं खाने की बात कर रही थी वहाँ पे महिलाओं के लिए अगर 1200 से कम कैलरीज हैं, पुरुषों के लिए अगर 1800 कैलरी से कम अगर पर डे वो खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म इफ़ेक्टिवली कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, जो कि सही चीज़ नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि खाना प्रॉपर हो, जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है हमारे शरीर की वो पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा नींद की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हमेशा मैं बोलती हूँ अच्छी नींद का लेना पूरे स्वास्थ्य के लिए, मानसिक शारीरिक हर तरीके से हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए, ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि जो 7 से 8 घंटे की नींद है उसको ज़रूर लें, और क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। तो अच्छे से नींद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये भी हमारे मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है स्वस्थ रहने में। साथ ही साथ कुछ और एक सप्लीमेंट्स होते हैं, लाइक ग्रीन टीज़ हैं, उलोंग टीज़ हैं, इन सब चीज़ों को हम एडअप कर सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं। तो ये तो थे वो सारे बेसिक टिप्स या फिर हैबिट्स जिनको हम फॉलो करके अपने मेटाबॉलिज्म को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, जो कि काफ़ी बेसिक थिंग्स हैं जिसको कि हम यूजली अपने ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए फॉलो करते हैं। बस उन्हीं चीज़ों को यहाँ भी फॉलो करना है और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी हमको हेल्प करेगा हमारे वेट को मैनेज करने में, हमें स्वस्थ रखने में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। उसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सुझाव है या फिर और भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।